हेलो गाइस, ओम साई राम। चलिए बनाते हैं आज खोंगा मच्छ का फिश करी। खोंगा फिश करी आज बनाएंगे। चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। ये देखिए, इसका करी को देखिए, बहुत ही गजब का हुआ है। चलिए हम कैसे बनाते हैं इसको दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, यहाँ पर हम 600 ग्राम खोंगा फिश को ले लिए हैं। ये सी फिश है, सामुद्रिक मछली है। हम इसमें नमक को मिला देते हैं और इसमें हल्दी पाउडर को डाल देते हैं। हल्दी नमक मिला के इसको रख देते हैं। इसको अब रख देते हैं आधा घंटा के लिए। फिर मसाला का तैयारी करते हैं इसका। देखिए गाइस, यहाँ पर ही हम मस्टर्ड ऑयल को ले लिए हैं। हम यहाँ पर ही दो आलू को काट के रखे हैं। देखिए इसको डाल देते हैं। हम आलू डाल के फिश करी बना रहे हैं। इसको हम लोग गोल्डन फ्राई कर लेंगे। देखिए गाइस, गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल देते हैं। आलू को निकाल चुके हैं, अभी फिश को डाल देते हैं। देखिए गाइस, फिश फ्राई हो चुका है। उल्टा पुल्टा करके हम फ्राई कर चुके हैं। अब इसको निकाल देते हैं एक प्लेट में। देखिए गाइस, वही तेल में हो जाएगा मेरा फिश करी। इसमें एक तेज पत्ता, दो सूखा मिर्चा को डाल देते हैं और हम 1 टीस्पून हम इसमें 5 फोड़न को डाल देते हैं। बहुत बढ़िया खुशबू आएगा इसमें। अब इसको हम लोग 5 फोड़न बढ़िया से क्रैकल हो चुका है। अब इसमें हम 1 कटा हुआ प्याज को डाल देते हैं और इसको हम लोग गोल्डन होने पर फ्राई कर लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट को डाल देते हैं। अब इसको मिला लेते हैं। अब इसमें हम 1 प्याज को पीस के रखे थे उसको डाल देते हैं। मिक्सी को धो के पानी थोड़ा सा डाल दें और इसको मिला लेते हैं। अब इसमें सारे सूखा मसाला को डाल देते हैं। यहाँ पर एक कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर को डाल दिए 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर को। डेढ़ टीस्पून हम डाल देते हैं फिश मसाला को। आपके पास फिश मसाला ना हो तो आप इसमें जीरा और धनिया का पाउडर डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून हम बेसन को डाल देते हैं। बेसन से बाइंडिंग होगा। तो सारे को अब मिला के हम तेल छोड़ने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए तेल छोड़ने लग गया है। अब इसमें हम पानी को डाल देते हैं। पानी को डाल के इसको मिला लेते हैं। अब इसमें फ्राई किया हुआ आलू को डाल देते हैं। आलू में जो भी कसर बाकी है इसी में वो गल जाएगा। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को भी डाल देते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं। अब इसको हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं।
और यहाँ तो अननोन आ गया, कौन कर रहा है नहीं। अब इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला को डाल देते हैं, इसको मिला लेते हैं। अब इसमें धनिया पत्ता को डाल देते हैं। अब प्लेटिंग करके दिखा देते हैं आपको। देखिए गाइस, प्लेटिंग कर चुके हैं। वीडियो देख के अगर अच्छा लगा होगा गाइस तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ गाइस।